मैडम सोनिया जी और हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष बहन शैलजा जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में ये अभियान चलाया हुआ है। और ये अभियान हमने इसलिए चलाया कांग्रेस जन ने के जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महंगाई इतनी दर पर दर बढ़ती जा रही है, जिससे आम जन सब लोग परेशान हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में हम देखें अगर सरकार की इनकी जो नीतियाँ हैं, आए दिन चाहे वो तेल के दाम लगा लीजिए चाहे पेट्रोल डीजल के दाम लगा लीजिए, आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। और जो खासकर मैं कहूँगी कि महिलाओं की रसोई पर जो भाजपा सरकार का कुठारघात हो रहा है वो गैस सिलेंडर का है, जिसमें आम जन की जो सभी महिलाएं वो इससे त्रस्त हैं। और जिस भाजपा सरकार में ये अभियान हम लोगों ने चलाया कि महंगाई कम की जाए, और भाजपा सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं वो लोगों के द्वारा लोगों तक पहुँचाई जाएँ, अब भारतीय जनता पार्टी में हम देख रहे हैं कि इस सरकार में चाहे महंगाई हो चाहे बेरोज़गारी हो चाहे कानून व्यवस्था हो, हर तरफ से लोग परेशान हैं इससे। अगर मैं बात करूं महंगाई की, हम देख रहे हैं कि हर तरफ महंगाई है। और अगर मैं बात करूं बेरोज़गारी की कि इस भाजपा सरकार में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आज के दौर में हमारे जो पढ़े लिखे युवा बच्चे हैं वो बेरोज़गार घूम रहे हैं। और अगर कानून व्यवस्था की बात करूं, कानून व्यवस्था को हम देख रहे हैं कि इस भाजपा सरकार में जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा गई है। हम लोग ने जैसे भी हम जितने भी कांग्रेस जन के विधायक हैं और हम लोगों ने भाजपा के खिलाफ जो महंगाई के मुद्दे हैं या और बेरोज़गारी के मुद्दे हैं वो हम लोगों ने सड़कों पर भी उठाए हैं, और चाहे वो सदन है सदन में भी उठाए गए हैं। समय समय पर हमारी प्रदेश की अध्यक्ष बहन शैलजा जी भी इन मुद्दों को उठाती रही है और धरना प्रदर्शन है जो होते रहे हैं। और चाहे अगर विकास के बात करें, विकास का आप देख लीजिए एक ढिंढोरा पीटा हुआ है भाजपा सरकार ने कि हाँ सबका साथ सबका विकास। विकास अगर हम देखें तो विकास कहाँ है भाजपा सरकार में? साथ लेने के लिए वोट ले ली, सबके लिए वोट लेकर अपनी सरकार बनाई, लेकिन जो एक नारा दे दिया कि सबका विकास सबका साथ, विकास तो अपना कर लिया लेकिन विकास साथ सबका लेके विकास किसका किया? आम जनता तो इस भाजपा सरकार में त्रस्त है। और अगर मैं बात करूं, मैं तो यही कहूंगी कि हर मुद्दा जो भी है हम ज़ोर शोर से उठाते हैं, और हमने अपने ज़िले लेवल पे भी ज़िला यमुनानगर में भी महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था भाजपा के खिलाफ, और सभी हमारे जो कांग्रेस जन हैं वो सभी इकट्ठा होके महंगाई के लिए चाहे बेरोज़गारी के लिए चाहे कानून व्यवस्था के लिए अपनी आवाज़ मिलजुल कर उठाते हैं ताकि इस गूंगी बहरी सरकार को जगाया जाए। और लोग भी इस सरकार से दुखी हो चुके हैं, इसका चेहरा लोगों के सामने आ चुका है, तो ये जो अभियान चलाया हुआ है ये लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने के लिए ताकि वो महंगाई कम हो बेरोज़गारी ख़त्म हो, इसलिए ये अभियान चलाया हुआ है। और आज हम सभी कांग्रेस जन हैं यहाँ पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं ताकि लोगों की आवाज़ को उठाकर सरकार तक पहुंचाया जा सके। मैम जनता को किस प्रकार से समझाएंगे, क्योंकि कांग्रेस को जनता का साथ तो अभी हाल ही में भी चुनाव हुए उसमें भी मिलता हुआ नज़र नहीं आया। देखिए जनता बहुत ही समझदार हो चुकी है, और ये नहीं है कि जनता जागरूक नहीं है, जनता जागरूक है, अपने हकों की लड़ाई लड़ना जनता जानती है और अपनी आवाज़ को उठाना भी जनता जानती है। इसलिए जनता अपने आप ही आने वाले समय में इस भाजपा सरकार का फैसला करेगी। तो मैं महंगाई के मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति महोदय जी के नाम डीसी सर को बहुत सारे ज्ञापन कांग्रेस सरकार की ओर से लगातार बार बार दिए जा रहे हैं, लेकिन मांगे नहीं मानी जा रही है, कहाँ कमी मान रही है? देखिए हम लोग विपक्ष हैं और हमारा जो काम है वो जनता की आवाज़ को उठाना है। इसके लिए हम अपने ज़िला लेवल पे अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने डीसी को भी ज्ञापन दिए हैं, और अभी हमारे राष्ट्रीय अपना प्रदेश अध्यक्ष मैडम शैलजा जी उनके द्वारा भी राज्यपाल जी को दिया गया। हम चाहते हैं कि हम जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाए, चाहे वो राज्यपाल हो चाहे सीएम साहब हो, उन तक पहुँचाए ताकि जनता की आवाज़ को उठाकर उनके मुद्दों को वहाँ तक पहुँचाकर उन मुद्दों का निवारण करा सके। हम अपनी जो काम है हमारा विपक्ष का वो हम कर रहे हैं, तय दिल से कर रहे हैं लोगों के लिए, और लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनको उठा रहे हैं, और हमारा काम है कि हम लोगों की आवाज़ को उठाएं और सरकार तक पहुंचाएं।
अब ये काम करना तो सरकार का काम है कि वो उन बातों को किस तरह से लागू करती है और समझती है। मैडम कांग्रेस में कई ग्रुप हरियाणा में है, यमुनानगर में भी अब देखा जा रहा है, शैलजा ग्रुप भी दो हो रहे हैं, कोई गुटबाजी नहीं है। दो दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कुछ आपके नेता लोग थे, यहाँ पे ज्यादा कांग्रेस नजर आ रही है। देखिए कांग्रेस एक ही है, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, एक अपने टाइम के हिसाब से किसी भी तरह से कॉन्फ्रेंस रख ली है, जिसे भी सूटेबल लगता है, जैसे भी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नहीं थे, हाँ। वो जिन्होंने की थी वो यहाँ नहीं है। देखिए मैं तो इसलिए नहीं थी, मेरी उनसे बात हो गई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, 11 तारीख को उन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी थी। देखिए हम उसमें भी थे, इसमें भी है, जिले के अंदर जिले के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, तहसील लेवल पे थी, काफी चौसी वाइज हो रही है, पत्रकार वार्ता तक ही सीमित है, आम जनता को भी अपने साथ जोड़ पा रही है। नहीं, सभी जनता हमारे साथ है जी, कांग्रेस के लोगों के साथ, जो जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं, तो जनता भी हम लोगों के साथ। जनता के बीच में कहाँ दिखाई दे रहे हैं आप, इस अभी अभी ताजा चुनावों में आप देख लीजिए, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और जनता ने आपका साथ नहीं दिया। देखिए कहीं ना कहीं तो आप लोगों की कमी रही है, रास्ते भी क्वेश्चन छाड़ दो। सारा वजन साडी एमएलए ते ना पाओ, और रास्ते भी क्वेश्चन छाड़ दो। धर्म की अफीम चटा दी जाती है, जब धर्म की अफीम हो जाते हैं, धर्म की अफीम चटा रखी है, इसने भी मुद्दों का गोंड कर रखा है, इलेक्शन लड़ते और मुद्दों पर हाथ के दांत खाने के लिए दिखाने को, धर्म की अफीम चढ़ रही है, और वो आपको उसका आप उदाहरण भी देख रहे हो कि जगह जगह दंगे हो रहे हैं भगवान राम जी के नाम पर, जबकि राम सबके हैं, राम के नाम पर सत्ता बनाना, उसको हथियाना ये कर रहे हैं, और धर्म की अफीम ऐसी है कि वो तो आपको पता, उसके पुराने उदाहरण भी रहे हैं कि जब तक देश बिल्कुल कंगाल नहीं हो गया तब तक लोग उस अफीम को चाटते रहते हैं, जब तक पूरा सर्वनाश नहीं हो जाता उनका। सारे आप पत्रकार साथी यहाँ आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और सीनियर कांग्रेस जन है सारे, नाम राय सिंह जी ने ले ही दिया, किसी साथी का रह गया वो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपका सबका स्वागत है, आप सब बराबर के साथी हैं। जैसा कि आज की बात है, आज महंगाई के ऊपर ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और पत्रकार साथी कह रहे हमेशा हम सड़क पे, आप साइकिल यात्रा पे भी हम नज़र आए, हम मंडी गेट पे धरने पे भी धूप में बैठे रहते हैं, हम ज्ञापन भी देते हैं, अब कोई असर नहीं हो रहा। कोहली जी हर बात पे आंदोलन करते हैं, जैसा कि निर्मला जी ने कहा ये धर्म की अफीम चटाई जा रही है, आज मुसलमान को मार लो पीट लो, दलित को मार लो पीट लो, दिखा के लोगों को साथ जोड़ लो, कितने के दिन चलेगा ये? अगर एक कुत्ता को काटने लग जाता है ना, वो बाहर के को काटता है, वो कभी घर वाले को भी काट लेता है, ये इन लोगों को समझनी पड़ेगी बात, ये बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है देश हमारा, या गलत कह रहा हूँ मैं, मेरी बात वापस कर दो, ये हमारे देश को बड़े गलत रास्ते पे धकेला जा रहा है। एक मुसलमान को पकड़ा, 20 लोगों ने पकड़ के पीट दिया, एक दलित को पकड़ा, 40 लोगों ने खींच खींच के कुत्ते की तरह पीट दिया, और उस पर ताड़ियाँ मारी, उस पर वोटां ली और सरकार बनाई, आप कहते हो समर्थन मिल गया, कितने दिन मिल जाएगा समर्थन, ऐसे कितने दिन चलेगा देश, ऐसे देश बर्बाद होने की कगार पर है। और मीडिया का भी मैं देखो, आप चंद लोग साथी बैठे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ, कुछ लोग हैं जो बात को उठाते हैं, यानी जिस दिन मोदी इलेक्शन लड़ने लगा था उससे 6 महीने पहले अदानी ने 36 चैनल खरीदे थे, अंबानी ने 22 चैनल खरीदे थे, जब 58 चैनल हैं मोदी मोदी करेंगे तो जनता क्या करेगी, उसको धर्म की भीम चटा दो, उसको कुछ और दिखा दो, जो भी दिखाओ झूठ को सच बनाने में माहिर हैं कुछ साथी हैं, और सबको जागना पड़ेगा, जो मान लो उनके पैसे के दम पे या उनके प्रेशर के, सरकार के प्रेशर के दम पे भी जो दबे हुए हैं उनको भी जागना पड़ेगा, उनको भी सामने आना पड़ेगा, इतनी महंगाई है, इतनी लूट खसोट है, इतनी मारामारी है, या तो लोग अपने कपड़े पाड़ेंगे या भाजपा वालों के पाड़ देंगे, मेरी बात ये नोट कर लो, या तो लोगों को अपने कपड़े पाड़ने पड़ेंगे या भाजपा वालों के पाड़ देंगे, ये समय आएगा, साल बाद आ जाए, 2 साल बाद आ जाए, इसके बगैर और कोई जरिया नहीं, अंग्रेजों से भी देश को आज़ाद कराया था ना, तो ये काले अंग्रेज हैं, पहले गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं, तानाशाही है, गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी करते हैं और उसी के नाम पे वोट लेते हैं। नरपाल जी हैं हमारे भाई, इनसे करो बात, आगे और सीनियर साथी बैठे हैं, आप सबसे थोड़े थोड़े सवाल सबसे ले लो,
विधायक जी और कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण और सभी प्रेस के साथियों का मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और हमारी हरियाणा की कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी के दिशा निर्देश अनुसार आज हमने जो है महंगाई के ऊपर यहाँ सभी कांग्रेस जनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आज क्या, आज के जो समय में सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का, और महंगाई में सबसे बड़ा मुद्दा है पेट्रोल डीजल का। पेट्रोल डीजल और LPG जो सिलेंडर है वो सबसे लोगों को प्रभावित कर रहा है। पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जो अब 10 रुपये बढ़े हैं अब 15 दिन में, उससे जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका 15-20% बढ़ गया उसका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, तो उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। और रही बात जब हरियाणा में जब पहले कांग्रेस का राज होता था तो डीजल और पेट्रोल हरियाणा में सबसे सस्ता होता था, बाहर के जो नेबर के हमारे पड़ोसी राज्य है यहाँ से पेट्रोल डीजल लेके जाते थे, और आज के समय में जो है हरियाणा जो नेबर के हमारे पड़ोसी राज्य है सबसे महंगा पेट्रोल डीजल हरियाणा में, तो हमारा पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश वहाँ में और हमारे में 8 रुपये का फर्क है, 8 रुपये महंगा है वहाँ पर, हमारे यहाँ जो है 8 रुपये महंगा है उनसे हिमाचल से। तो मेरी तो यही हरियाणा खट्टर गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि वो भी वैट कम करें, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है टैक्स धर्म की अफीम चटा रखी है, इसने इन मुद्दों का गोंद कर रखा है, इलेक्शन लड़ते और मुद्दों पर हाथ के साथ खाने को दिखाने को, धर्म की अफीम चढ़ रही है, और वो आपको उसका आप उदाहरण भी देख रहे हो कि जगह जगह दंगे हो रहे हैं भगवान राम जी के नाम पर, जबकि राम सबके हैं, राम के नाम पर सत्ता बनाना उसको हथियाना ये कर रहे हैं, और धर्म की अफीम ऐसी है कि वो तो आपको पता उसके पुराने उदाहरण भी रहे हैं कि जब तक देश बिल्कुल कंगाल नहीं हो गया तब तक लोग उस अफीम को चाटते रहते हैं, जब तक पूरा सर्वनाश नहीं हो जाता उनका। सारे आप पत्रकार साथी यहाँ आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और सीनियर कांग्रेस जन है सारे, नाम रायसिंह जी ने ले ही दिया, किसी साथी का रह गया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपका सबका स्वागत है, आप सब बराबर के साथी हैं। जैसा कि आज की बात है, आज महंगाई के ऊपर ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और पत्रकार साथी कह रहे हमेशा हम सड़क पर, आप साइकिल यात्रा पर भी हम नज़र आए, हम मंडी गेट पर धरने पर भी धूप में बैठे रहते हैं, हम ज्ञापन भी देते हैं, अब कोई असर नहीं हो रहा। हर बात पे आंदोलन करते हैं, जैसा कि निर्मला जी ने कहा ये धर्म की अफीम चटाई जा रही है। आज मुसलमान को मार लो पीट लो, दलित को मार लो पीट लो, दिखा के लोगों को साथ जोड़ लो, कितने के दिन चलेगा ये? अगर एक कुत्ता को काटने लग जाता है ना, वो बाहर के को काटता है, वो कभी घर वाले को भी काट लेता है, ये इन लोगों को समझनी पड़ेगी बात, ये बहुत गलत रास्ते पे जा रहा है देश हमारा, या गलत कह रहा हूँ मैं, मेरी बात वापस कर दो, ये हमारे देश को बड़े गलत रास्ते पे धकेला जा रहा है। एक मुसलमान को पकड़ा 20 लोगों ने पकड़ के पीट दिया, एक दलित को पकड़ा 40 लोगों ने खींच खींच के कुत्ते की तरह पीट दिया, और उस पर ताड़ियाँ मारी, उस पर वोटां ली और सरकार बनाई, आप कहते हो समर्थन मिल गया, कितने दिन मिल जाएगा समर्थन, ऐसे कितने दिन चलेगा देश, ऐसे देश बर्बाद होने की कगार पर है। और मीडिया का भी मैं देखो, आप चंद लोग साथी बैठे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं, कुछ लोग हैं जो बात को उठाते हैं, यानी जिस दिन मोदी इलेक्शन लड़ने लगा था उससे 6 महीने पहले अदानी ने 36 चैनल खरीदे थे, अंबानी ने 22 चैनल खरीदे थे, जब 58 चैनल हैं मोदी मोदी करेंगे तो जनता क्या करेगी, उसको धर्म की भीम चटा दो, उसको कुछ और दिखा दो, जो भी दिखाओ झूठ को सच बनाने में माहिर हैं कुछ साथी हैं, और सबको जागना पड़ेगा, जो मान लो उनके पैसे के दम पे या उनके प्रेशर के, सरकार के प्रेशर के दम पे भी जो दबे हुए हैं उनको भी जागना पड़ेगा, उनको भी सामने आना पड़ेगा। इतनी महंगाई है, इतनी लूट खसोट है, इतनी मारामारी है, या तो लोग अपने कपड़े पाड़ेंगे या भाजपा वालों के पाड़ देंगे, मेरी बात ये नोट कर लो, या तो लोगों को अपने कपड़े पाड़ने पड़ेंगे या भाजपा वालों के पाड़ देंगे, ये समय आएगा, साल बाद आ जाए, 2 साल बाद आ जाए, इसके बगैर और कोई जरिया नहीं, अंग्रेजों से भी देश को आज़ाद कराया था ना, तो ये काले अंग्रेज है, पहले गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं, तानाशाही है, गुंडागर्दी है, गुंडा शरेआम गुंडागर्दी करते हैं और उसी के नाम पे वोट लेते हैं। नरपाल जी हैं हमारे भाई, इनसे करो बात, आगे और सीनियर साथी बैठे हैं, आप सबसे थोड़े थोड़े सवाल सबसे ले लो, विधायक जी और कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण और सभी प्रेस के साथियों का मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और हमारी हरियाणा की कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी के दिशा निर्देश अनुसार आज
हमने जो है महंगाई के ऊपर यहाँ सभी कांग्रेस जनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आज क्या, आज के जो समय में सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का, और महंगाई में सबसे बड़ा मुद्दा है पेट्रोल डीजल का। पेट्रोल डीजल और एलपीजी जो सिलेंडर है वो सबसे लोगों को प्रभावित कर रहा है। पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जो अब 10 रुपये बढ़े हैं अब 15 दिन में, उससे जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका 15-20% बढ़ गया उसका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, तो उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। और रही बात जब हरियाणा में जब पहले कांग्रेस का राज होता था तो डीजल और पेट्रोल हरियाणा में सबसे सस्ता होता था, बाहर के जो नेबर के हमारे पड़ोसी राज्य है यहाँ से पेट्रोल डीजल लेके जाते थे, और आज के समय में जो है हरियाणा जो नेबर के हमारे पड़ोसी राज्य है सबसे महंगा पेट्रोल डीजल हरियाणा में, तो हमारा पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश वहाँ में, और हमारे में 8 रुपये का फर्क है, 8 रुपये महंगा है वहाँ पर, हमारे यहाँ जो है 8 रुपये महंगा है उनसे हिमाचल से। तो मेरी तो यही खट्टर गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि वो भी वैट कम करें, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है टैक्स कम करके आम जनता को जो है रियायत दे। आप सभी का बहुत बहुत इधर आप गोयल साहब कुछ आज हमारे आप हम सब रहते हैं, हमारे जिले का आज हाल क्या है, यमुनानगर के अंदर पूरे ज़िले के अंदर पहले सड़कें पाड़ी जाती हैं, फिर टैलें लगाई जाती हैं, फिर पाड़ी जाती है, फिर सीवरेज लाइन लगाई जाती है, फिर पाड़ी जाती है, फिर उस पर टैलें लगा दी जाती हैं। और के जी इसके अलावा आज आईडी की क्या पोजीशन है, 20-20 साल से जिस मकान की आईडी बनी हुई है 200 गज का मकान है, अब सेटेलाइट से उसको अगर 7 वाला मकान नज़र आ गया तो 200 को 400 कर दिया, एक फादर के 2 बच्चे दोनों के नाम अलग अलग है, दोनों को ज्वाइंट कर दिया गया। अगर वो आज निगम में जाता है, निगम के अंदर उसकी कोई सुनवाई नहीं, रिश्ती कराने जाता है रिश्ती नहीं हो सकती, हाहाकार मचा पड़ा है। आप निगम के अंदर जाके देखिए क्या धक्के दुनिया खा रही है, रोडों के ऊपर जाके देखिए क्या हालात हो रखे हैं, तहसील में जाकर देखिए आपके सामने हालात हो रखे हैं। इन हालात के अंदर शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जहाँ तक सवाल डीजल पेट्रोल का है, जब हमारे पड़ोस का जो हमारा हिमाचल है वो 8 रुपये डीजल सस्ता कर सकता है जीएसटी का, सरकार वहाँ भी बीजेपी की है, आप जीएसटी के रेट को इसको जीएसटी में ले आओ तो ये तो आपका 60-70 रुपये में आ जाएगा, 28% हाईएस्ट जीएसटी का रेट है, और ये क्या टैक्स लगा रहे हैं, 56 रुपये को 105 रुपये, 100% जो रेट है उससे 100% ऊपर टैक्सेस हैं। तो इन चीज़ों को अगर ये गौर करें तो ये महंगाई को नीचे लाने में सक्षम होंगे। खाने का तेल ले लो, आज खाने की हर चीज़ चाहे दाल हो चाहे तेल हो चाहे सब्जी हो, कोई ऐसा आइटम नहीं है जो आज आदमी त्राही त्राही ना करता हो, इस सरकार को जागना चाहिए। अदरवाइज़ लोग आने वाले समय में जब ये इलेक्शन होगा तो जहाँ जहाँ पहले लोगों ने दूसरी सरकारों का पलटा किया है तो इनका भी होगा, जब जनता में त्राही त्राही होती है इसका आने वाले टाइम पर नुकसान होगा। सभी साथियों का यहाँ स्वागत है। मेरा ये कहना है, अभी एक पत्रकार साथी ने सवाल किया कि भी कांग्रेस पार्टी ग्राउंड पे काम नहीं करती है, और हम ज्ञापन भी देते हैं, डी साहब को दिया, राज्यपाल को भी दिया, सरकार को असर नहीं होता। असर क्यों नहीं होता, क्या अभी हमने जो 5 राज्य के चुनाव हुए हैं, क्या बीजेपी की सरकार ने महंगाई पे और जो बेरोजगारी है उस पर वोट मांगा है? उनका ये मुद्दा ही नहीं है, उनका मुद्दा दूसरा है। उनका मुद्दा जैसे मेरे साथियों ने बताया कि धर्म के नाम पे वोट मांगी है, जब चुनाव के अंदर कोई पार्टी महंगाई पे, बेरोजगारी पे, विकास के नाम पे वोट ही नहीं मांगती तो महंगाई कम क्यों करेगी वो, जब उस पार्टी को वोट किसी और नाम पे मिल रहा है, धर्म के नाम पे वोट मिल रहा है, 80-20 पे वोट मिल रहा है, तो उसको क्या ज़रूरत है महंगाई कम करने की? लेकिन हम आज विपक्ष में हैं, कांग्रेस पार्टी आज विपक्ष में है, हमारा तो फर्ज है जनता की आवाज़ को उठाना और गूंगी भरी सरकार को जगाना। यस, वो कब जागेगी ये देखने वाली बात है, अगर समय रहते जाग जाएगी तो समाज के लिए अच्छी बात है, अच्छी तो समय बताएगा। ठीक बात।